रमजा का महीना मुबारक हो, कुर्बान का महीना मुबारक हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुक विद अफशां। फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं आज लस्सी। तो गाइस, जिन्होंने नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से कर लें। वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर लें बेल आइकन को हिट, जिससे उनको मेरी सारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं ठंडी ठंडी लस्सी। गाइस, लस्सी बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम दही, जो कि खट्टा नहीं है। और ये मैंने लिया है एक कटोरी शक्कर, और ये मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं। शक्कर हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून करेंगे। मैंने यहाँ पे रख लिए ज़्यादा, अगर हमें कम लगे तो और ऐड कर सकते हैं। अब हम दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सर के जार में, और इसमें 2 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने हिसाब से जितना आप मीठा पसंद करते हैं उतना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि दही और शक्कर आपस में मिक्स हो जाएँ। इसको हमें जब तक चलाना है जब तक कि आपस में मिक्स नहीं होता और अच्छे से झाग रेडी नहीं हो जाते हमारी लस्सी के अंदर। अब इसके अंदर हम ये आइस क्यूब ऐड कर देंगे और इसको बढ़िया सा ब्लेंड कर लेंगे। तो लस्सी हमारी बनके तैयार है, इसको हम गिलास में पोर कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा इस बिल्कुल झाग इसका बन के तैयार है। देखिए, मैं स्पून से आपको चेक करा देती हूँ कितनी अच्छी मज़ेदार सी लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। ठंडी ठंडी इसको चाहे तो सर्व करें। इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा और मलाई हम डाल के ठंडा, बिल्कुल चिल्ड, चाहे तो ऐसे भी ज़्यादा पी सकते हैं क्योंकि आइस क्यूब डाला हुआ है, चाहे तो इसको फ्रिज में रख के भी पी सकते हैं। तो गाइस, हमारी यम्मी यम्मी सी लस्सी बनके तैयार हो चुकी है। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।